नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल में कांग्रेस की प्रवक्ता सुश्री सुप्रिया श्रीनेत की पत्रकार वार्ता। मलेशिया से जो कागज आए वे कोर्ट में क्यों नहीं दिए? क्या सीबीआई डायरेक्टर को रातों रात इसलिए हटाया गया? राफेल की घोटाले की जाँच रोकने हुआ ऑपरेशन मिडनाइट सुप्रिया श्रीनेत। राफेल घोटाले में अपनी भूमिका स्पष्ट करें प्रधानमंत्री मोदी। राफेल घोटाले की जाँच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की आड़ में ना छुपे केंद्र सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज राफेल विमान घोटाले के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सुप्रिया श्रीनेत ने राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बहुत सी सच्चाई जनता के सामने है, लेकिन राफेल घोटाले के घटनाक्रम को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। कुछ तत्व जो अभी जनता के सामने नहीं आए हैं, उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा सीबीआई के पास राफेल घोटाले की शिकायत करने गए थे। मार्केटिंग हेड दीपक वर्थी की रिपोर्ट। 7 साल की सजा है पर एक व्यक्ति एक बिचौलिए के पास मिलता है और एक शब्द नहीं आता सरकार के पास से, और जिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मिलता है वो एक केस दायर नहीं करती ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो हम पूछना चाहते हैं उसको संरक्षण कौन दे रहा है? किसने डिसाइड किया 126 नहीं 36 लगेंगे? किसने डिसाइड किया एचएम को हटाया जाएगा, निलंबानी को लाया जाएगा? किसने डिसाइड किया कि 526 नहीं 1670 करोड़ दिया जाएगा? किसने डिसाइड किया एंटी करप्शन क्लॉज हटाया जाएगा? ये सारे हमारे सवाल हैं और मैं आग्रह करती हूँ सवालों को जरूर पब्लिक डोमेन में रखिए और लोगों तक ये सवाल पहुंचाइए। धन्यवाद। आपके